ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू तो संधि वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू तो संधि वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबू दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजार। बच्चों, आप सबों को आशा आंटी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, आज हम तारों के बारे में सीखेंगे। बच्चों, पवित्र बाइबल ज्ञान का भंडार है, क्योंकि
इसे परमेश्वर की प्रेरणा से लिया गया है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, भजन संहिता 33 अध्याय 6 पद में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। सचमुच में परमेश्वर ने अपना वैभव आकाश में दिखाया है। भजन संहिता 33 अध्याय 6 पद देखने में कितना छोटा लगता है, परंतु इसमें कितनी महानता चमत्कार भरा हुआ है। हम अपनी नंगी आंखों से लगभग 3000 तारे आकाश में टिमटिमाते हुए देख सकते हैं, जिन्हें हमारे परमेश्वर ने अपने मुंह की सांस से बनाया है। पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट नामक पुस्तक में पृष्ठ 63 में स्पष्ट किया है कि प्रभु यीशु तारों की सैर करते हैं और अपने विशाल और विस्तृत ग्रह के रहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागणों को बनाया। परमेश्वर की महिमा का हम अनुमान भी नहीं कर सकते। तुम लोग यदि बड़े बड़े शहरों में रहते हो तो परमेश्वर की इस महिमा का पूरा आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि शहरों की तेज बस्तियां हमें आकाश की ओर निहारने में सहायक नहीं होती। फिर शहर का प्रदूषण वातावरण को इतना धूमिल कर देता है और हम तारे भी स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। चांदनी रात क्या होती है, उसका आनंद तो किसी ऐसे गांव में जाकर ही लगता है जहां बिजली की रोशनी नहीं है। परमेश्वर ने रात पर शासन करने के लिए चांद और तारागणों को बनाया है। हम तभी समझ सकते हैं गांव वाले तारों को देखकर रात में समय और दिशा का ज्ञान करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कितने आश्चर्यजनक तरीके से व्यवस्था की है, और फिर इतने सारे तारागण हैं, उनकी गति और दिशा का निर्धारण भी स्वयं परमेश्वर करता है, वरना वे आपस में टकराकर एक भयंकर आसमानी दुर्घटना को जन्म देंगे। परंतु ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारी पृथ्वी पर आए दिन कितनी भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं। बच्चों, यदि हम किसी बड़ी प्रयोगशाला में बैठकर बड़ी बड़ी दूरबीनों से इन तारों को देखें तो पता चलेगा कि ये तारे हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं। दाऊद, अय्यूब, इब्राहिम, यशाया और आमोस आकाश के तारों को निहारा करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखा करते थे। आमोस अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय और 8वें पद में कहता है कि परमेश्वर ने 70 ऋषियों को बनाया और मृगशिया नामक तारे बनाने वाले हैं, जिसे ओरायन कहते हैं। दाऊद अपनी पुस्तक भजन संहिता 147 अध्याय के 4थे पद में कहता है कि परमेश्वर सभी तारों की संख्या और उनके नाम भी जानता है। लगभग 10,000 तारे जो अधिक चमकीले हैं हमारी पृथ्वी से देखे जा सकते हैं, और आधुनिक शक्तिशाली कैमरों से 30 करोड़ तारों के चित्र लिए जा सकते हैं। कोई भी तारों की ना तो संख्या जानता है ना उनके नाम, सिर्फ परमेश्वर ही, जिसने उन्हें अपने मुंह की सांस से बनाया है। भजन संहिता 19:1 पद तो तुम अच्छी तरह जानते हो। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। सचमुच में जब हम आकाश की ओर निहारते हैं, असंख्य जगमगाते तारों को देखते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को सोचने पर विवश हो जाते हैं। विश्वास होने लगता है कि इनका बनाने वाला अवश्य परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। यशाया 40 अध्याय 26वें पद में इसी महिमा को देखकर कह उठता है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। अय्यूब की पुस्तक का 38वां अध्याय 31वां पद पढ़ो, उसमें तुम्हें ढेर से तारों के बारे में ज्ञान होगा, जैसे ओरायन, प्लीएड्स जो खूबसूरत तारों का गुच्छा है, जो टॉरस नामक तारों के गुच्छे के पास है। ओरायन, हम जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीमती वाइट
को जो प्रभु ने दर्शन दिया था उसके अनुसार पवित्र नगर इसी ओरायन से उतरेगा। बच्चों, यदि तुम ओरायन को आकाश में नहीं खोज सकते हो तो किसी जानकार से पूछना। यह अक्टूबर के महीने में पूर्व की ओर ऊपर देर शाम तक देखा जा सकता है। इसकी पहचान है जैसे कोई शिकारी अपने कंधे पर तलवार लटकाए हुए है। अय्यूब की पुस्तक के 38 अध्याय 32 पद को पढ़ो। यहाँ सभी राशियों का संदर्भ दिया गया है। मत्ती की पुस्तक 24वां अध्याय भी तारों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति की कहानी हमें बताती है कि इन तारों का एक खास काम है, वह है चिन्ह बताना। प्रभु के जन्म के विषय में जो बुद्धिमान लोगों को एक तारे ने मार्गदर्शन दिया था, उसे पूर्ण दिशा से यरूशलेम तक पहुंचाया। प्रभु ने अपने आने की भविष्यवाणी करते समय तारों के चिन्ह को बताया है, जो मत्ती के 24 अध्याय 29 पद में लिखा है। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। बच्चों, आज हमने पवित्र बाइबल से तारों के विषय में बहुत कुछ सीखा। अब जब कभी तुम लोग अपनी छत पर या बिस्तरों पर लेटे आकाश की ओर निहारो तो मत भूलो, इनका बनाने वाला भी हमारा ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये तारे हमें परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन तारों का अध्ययन का शौक पैदा करो। इन्हें जानने के लिए अपने स्कूल की लाइब्रेरी से पुस्तकें लाकर पढ़ो या अपने शिक्षक जिन्हें तारा मंडलों का अच्छा ज्ञान है उनकी सहायता लो। याद रखो, इनका बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। कितनी महान रचना है उसकी। दाऊद, अब्राहम, यशाया, अय्यूब, आमोस के समान तुम भी तारों का अध्ययन करने वाले बनो। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें। वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। प्रभु शरण जगत तम नाशक विद्युत, प्रभु शरण जगत तम नाशक विद्युत, अनाथ के नाथा तब रूप दर्शा दे, दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रय परमेश्वर, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। प्रभु
से भरा बेशुमार, खोला मैंने मन का द्वार, आपसे भरा बेशुमार, अपने लहू से धो धो दे मसीहा तू धो धो प्रभु धोइए, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, मन ना भावत दुष्ट वास ना धावत, पुनर्जन्म दाता अपना मन मुझे दे 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 प्रभु दे ये, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम चमका दे मेरी प्रार्थना तू सुन सुन प्रभु सुनिए, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, परम पवित्र त्रय परमेश्वर, रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, जो डरे हुए भयभीत हैं, वे कहे कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ प्रेम स्वस्थ मन का आत्मा दिया है। इसकी घोषणा करें, मेरे पास कोई भय का आत्मा नहीं है, मेरे पास सामर्थ का पवित्र आत्मा है, मेरे पास प्रेम का आत्मा है, मेरे पास स्वच्छ विवेक का आत्मा है। प्रत्येक के सामने इसे मान ले, अपने भय के विषय में बात ना करें, पर आपके विषय में परमेश्वर जो कुछ कहता है उसके विषय में बताएं। इस प्रकार आप मान लेते हैं, विश्वास करते हैं, उसी तरह करें भी तब डर उसी प्रकार से लुप्त हो जाएगा जैसे कोहरा उगते हुए सूरज के सामने से लुप्त हो जाता है। हाँ, निर्बल कहे, दुखी जन कहे, रोगी कहे, भयभीत कहे, हाँ जिन्हें आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है वे कहें। ये आवश्यकता में पड़े हुए लोग क्या कहें, आपको क्या कहना चाहिए, वही कहे जो परमेश्वर कहता है। उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रभु यीशु के द्वारा उसके सिंहासन तक ऊपर चढ़े और उसको स्मरण दिलाए, मान ले, विश्वास करे, क्योंकि शीघ्र ही वे प्रतिज्ञाएं आपके लिए पूरी होने वाली है। इब्रानियों की पुस्तक कहती है, उसने कहा कि मैं तुझको कभी न छोड़ूंगा, न कभी
त्यागूंगा, इसलिए कि हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायता है और सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यह अत्यंत असाधारण वचन है। ध्यान दे ये क्या कहता है। उसने कहा कि हम बेधड़क होकर कहते हैं, उसने कहा कि हम निडरता से कहते हैं। परमेश्वर ने हमें सैकड़ों प्रतिज्ञाएं इसलिए नहीं दी कि मात्र उस पर विश्वास करें और उसको पढ़ें। उसने हमसे ये इसलिए कहा है कि हम छुटकारे के लिए निडरता से कहें। हाँ मेरे दोस्त, परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा इसलिए दी कि प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो, मानव जाति के जीवन में पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं। बहुत से मसीही विश्वास नहीं करते हैं, उनका मन परमेश्वर से दूर है, उनका मन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से दूर है। मेरे मित्रों, उसकी प्रतिज्ञाओं में से उस प्रतिज्ञा पर ध्यान दे जो आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो। अब उस प्रतिज्ञा को अपने आप से निडरतापूर्वक कहते रहे, अपने मित्रों, अपने परिवार और शैतान के सामने इस प्रतिज्ञा को कहा करें, सबके सामने बेधड़क होकर कहे, मेरे पिता परमेश्वर ने यह कहा है कि मैं इसका विश्वास करता हूं, अब ये मेरी है, इसको थामे रहे तथा पीड़ा में, तकलीफ में, भय में, रोग बीमारी, किसी भी आवश्यकता में दावे के साथ इसे कहें। यीशु हमारे महायाजक है, वो निश्चितपूर्वक देखेगा ये आपके जीवन की वास्तविकता बने। मेरे दोस्तों, आज ही से आप आरंभ करें, शंका ना करें, परमेश्वर ने जो कहा है उसका अपने हृदय में विश्वास करें, इसे अपने अंगीकार के साथ निरंतर कहें, तब जो कुछ आप कहते हैं वो आपका होगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके वचन को पूरा हेतु तत्पर है। मेरे मित्रों, हम आज दो आवाज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपसे बात करती है। पहली आवाज गड्ढे से पुकारती है, वो कहराना तब निकलता है जब आपके जीवन में कैंसर, रोग, बीमारी, अंधापन, दुख तकलीफ आती है। ये आवाज अत्यंत गर्जन बलपूर्वक चीखती है कि आप बीमार हैं, आप मुसीबत में हैं, आप रोगी हैं, आप तकलीफ में हैं। ये एक आवाज है। दूसरी परमेश्वर की आवाज जो उसके वचन के द्वारा बोलती है। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों, इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए, उसके कोड़े खाने से, यानी प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने हमारी रोग बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया, उसने अपने श्राप को अपने ऊपर ले लिया कि वो हमारे लिए श्रापित बने। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले दिया। मेरा परमेश्वर तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरी करेगा। हाँ मेरे दोस्तों, आप विश्वास करें, ईमान लाएं कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। पुकारे, देखे, ईमान लाए, विश्वास करें, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से
आपसे विनती करता हूं, आप आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। आज के दिन अपना जीवन परमेश्वर को दे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं बहुत से लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है। आज हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी आ सकती है कल। हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि कल क्या हो। आज का दिन अपने जीवन को परमेश्वर को दे, विश्वास करें वो आपको चंगाई देगा, आपको नया जीवन देगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज तेरे पास आते हुए हैं खुदावन, हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं और परमेश्वर पाप के बंधन में डूबे हुए हैं। हम प्रार्थना करते खुदावन अपने श्रोताओं के लिए प्रभु, जो आज करा रहे हैं, कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, बीमार हैं, अंधेपन से पीड़ित हैं, दमा से पीड़ित हैं, बहुत से बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु। हम आज उनके जीवन को खुदावन तेरे पास लाते हैं, उन पर दया कर, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें चंगाई दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, फोन उठाएं, मुझसे बातें करें, अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी बीमारी को बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझसे बातें की हैं। आप भी बातें करें, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।